नमस्कार, मैं राहुल गांधी, बस ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, ओला, उबर, ऑटो ड्राइवर्स अगर गलती से किसी को मार देते हैं तो 10 साल की जेल में सजा हो जाती है और चाबी उठा के वो फेंक देते हैं। मगर अगर अमीर घर का 16 साल का, 17 साल का बेटा पोर्श गाड़ी को शराब पी के चलाता है और 2 लोगों की हत्या करता है तो उसे कहा जाता है कि ऐसे लिख दो। ऐसे ट्रक ड्राइवर से, बस ड्राइवर से क्यों नहीं लिखाते? उबर ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर से क्यों नहीं लिखाते? नरेंद्र मोदी से पूछा गया कि दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अरबपतियों का, एक गरीबों का। उनका जवाब आता है, क्या मैं सबको गरीब बना दूं? सवाल ये नहीं, सवाल न्याय का है। अमीरों को, गरीबों को, दोनों को न्याय मिलना चाहिए। न्याय सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, इसीलिए हम लड़ रहे हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। राहुल गांधींनी पुण्याच्या घटनेचं जे राजकीयकरण करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे ते अतिशय निषेधार्य आहे। पुण्याच्या घटनेमध्ये पोलिसांनी योग्य कारवाई केली, मात्र त्याच्यामध्ये ज्युवेनाईल जस्टिस बोर्डने तो निर्णय घेतला, त्याच्यावर अपील करून पुन्हा ज्युवेनाईल जस्टिस बोर्डकडे ती केस पोलिसांनी आणलेली आहे। अशा परिस्थितीमध्ये केवळ अशा घटनेचं राजनीतीकरण करणं हे राहुल गांधींसारख्या व्यक्तीला शोभत नाही। प्रत्येक गोष्टीला मतांच्या चष्म्यातनं पाहणं आणि प्रत्येक गोष्टीत राजकारण आणणं हे काही योग्य नाही आहे। त्यांनी जर नीट माहिती घेतली असती तर कदाचित अशा प्रकारचं त्यांनी त्या ठिकाणी काम केलं नसतं। अभी जो है इतनी बड़ी बात हुई है तो क्या आप रेजिग्नेशन देंगे? अरे भाई देखो, जिनके ऊपर 100-100 करोड़ की वसूली का आरोप लगा हो और कोर्ट ने हमने नहीं, उनकी सरकार थी, कोर्ट ने जिनके ऊपर FIR किया हो, ऐसे व्यक्ति के बोलने के ऊपर क्यों मेरी प्रतिक्रिया मांगते हो? महाराष्ट्र के ताजा बातमी बगत रहा टाइम्स टुडे टीवी सोबत शेयर करा, सब्सक्राइब करा, बेल आइकन प्रेस करा।